मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिवसेना द्वारा राज्य भर में किए गए प्रदर्शन के बाद भाजपा भी हरकत में आई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तार की खबर मिलते ही पार्टी नेताओं ने शहर भर में प्रदर्शन किए। शहर के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। इस श्रृंखला में शहर के मध्य नागपुर इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद और गहराता जा रहा है। टिप्पणी पर राज्य भर में शिव सैनिकों में रोष व्यक्त करते हुए कई शहरों में भाजपा के कार्यालयों में तोड़फोड़ भी की। उस गुस्से की आग सिटी में भी शिव सैनिकों तक पहुंची। सुबह से ही शिव सैनिकों ने कई जगहों पर राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जब राणे की गिरफ्तारी हुई तो शिवसेना खेमे में जल्लोष छा गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भी सुबह से आंदोलन किए गए। भाजपा ने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में राणे की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निषेध किया। इसी श्रृंखला में शहर के मध्य नागपुर इलाके में भी तीव्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संदर्भ में भाजपा की अर्चना दहनकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम नारायण राणे द्वारा दिए गए वक्तव्य का समर्थन तो नहीं करते पर उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। त्यांनी तिथन यात्रा काढली आणि त्या यात्रेला भरभरून असा प्रतिसाद मिळाला। कदाचित हा प्रतिसाद पाहून उद्धवजी ठाकरे यांच्या सरकारच्या आणि शिवसेनेच्या पोटात दुखलं आणि त्याचाच प्रतिसादा मला असं वाटतं की त्याचाच प्रतिक्रिया म्हणून आणि त्याचाच पोटदुखी त्यांची बाहेर निघाली आणि त्याचं अटकेमध्ये रूपांतर झालं। निश्चितच आदरणीय राणेसाहेबांचं जे वक्तव्य आहे त्याचं समर्थन आम्ही करत नाही। आमचे आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी देखील सांगितलं पत्रकार परिषदेमध्ये की आम्ही त्यांच्या वक्तव्याचं समर्थन करत नाही, परंतु अशा प्रकारच्या सूडबुद्धीने त्यांना जर अटक करत असतील तर भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या पाठीशी आहे आणि म्हणूनच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा क्षेत्रामध्ये आज मध्य नागपूरमध्ये देखील सरकारचा निषेध करण्याकरता आम्ही एकत्रित झालेलो आहे। आदरणीय राणेसाहेबांचं वक्तव्य एवढं गुन्हास्पद होतं का की त्यांना अटक करण्यात आली? काय संजय राठोडांचा गुन्हा हा छोटा होता? एका बलात्काराला तुम्ही मोकळं सोडता? आणि इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राणे की गिरफ्तारी को तानाशाही करार देती हुई सीएम ठाकरे का पुतला फूंककर रोष जताया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।